हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। आई होप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, घर पर पढ़ाई करने के लिए तैयार होंगे। तो आज हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इससे पहले हम कर चुके हैं सॉलिड स्टेट, और उसके 9 लेक्चर के वीडियोस जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे। ओके, तो आज इस चैप्टर के बारे में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। उसके बाद हम जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, और इंटरमीडिएट लेवल करने के बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस लेवल के बारे में। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हर टॉपिक के साथ साथ। ओके, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल मेक ए वीडियो फॉर ओनली न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम फॉर्मूला समझेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट साथ ही साथ हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारे पास है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या होता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। बेसिकली इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, द टर्म हियर इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमो का मतलब यहां पर हुआ सेम, और जीनियस का मतलब यहां पे हुआ अपीयरेंस, कि कोई ऐसा मिक्सचर जिसका अपीयरेंस थ्रू आउट सेम हो, उसमें कोई डिफॉर्मिटी ना हो, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो उसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल एयर की बात करते हैं, तो एयर एक मिक्सचर है, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस सच एज ऑक्सीजन हमारे पास एयर में है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एंड देयर आर मेनी मोर गैसेस, यू नो दैट। ऑल्सो हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर लेते हैं शुगर इन वॉटर की। तो व्हेन यू डिसॉल्व शुगर इन वॉटर वी फॉर्म ए लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि होमोजीनियस होता है। गर्मियां चल रही है, हम सभी शिकंजी या नींबू पानी पीते हैं, वो भी एक तरह का हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ही है। इसमें हम चीनी लेते हैं, नमक लेते हैं, नींबू लेते हैं, पानी मिलाते हैं और पीते हैं आराम से उसको, अच्छे से मजा लेके। ओके, और क्या है? और अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एलोइस, एलोइस भी हमारे मिक्सचर में आते हैं, दे आर ऑल्सो होमोजीनियस। इसमें डिफरेंट साइज, नॉट डिफरेंट साइज, सेम साइज, और द प्रॉपर वर्ड वुड बी सिमिलर साइज। तो सिमिलर साइज के एटम्स जो है वो मिक्स किए जाते हैं आपस में टू फॉर्म द एलोए, और इससे मुझे मिलता है एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द मेटल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स के, और जस्ट इनको हम सॉल्यूशंस भी कहेंगे, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज होमोजीनियस मिक्सचर इज नथिंग बट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसमें कितने कॉम्पोनेंट्स मिक्स किए गए। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो वो क्या बनेगा? तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, वो हम पहले ही बोल चुके हैं, ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट। The homogeneous mixture of two or more components that is known as solutions. तो two or more components को हम कुछ symbolize से कुछ terms provide करवाएंगे, और उन terms का नाम है solute and solvent. Solute क्या है? ये वो component है जो mix होता है, ठीक है? Solvent क्या है? ये वो कंपोनेंट है जिसमें मिक्स किया जाता है। जैसे अगर मैं शुगर की बात करता हूं, तो शुगर सोल्यूट हुआ, और शुगर को किस में मिक्स करते हैं? वॉटर में। तो वॉटर हमारा हुआ सोलवेंट, तो शुगर सोल्यूट, वॉटर सोलवेंट। उसी तरह ये तो हुआ दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर, तो दो कंपोनेंट्स के मिक्सचर को हम कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी।
what is bilayer solution? It is a homogeneous mixture of two components only, which is one is solute, other is solvent. So when we have three components, तो थ्री कंपोनेंट से जो मिक्सचर बनेगा उसको हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे नमक, चीनी, पानी तीनों को मिक्स कर देंगे, उससे मुझे मिलेगा टर्नरी सॉल्यूशन। तो अगर मेरे पास सोल्ट है और मेरे पास शुगर है तो सोल्ट और शुगर सॉल्यूट कहलाए जाएंगे, और जो मेरे पास वाटर है वाटर कहलाया जाएगा सोल्यूट। दिस इज ए थ्री कंपोनेंट सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर मेरे पास चार कंपोनेंट हो तो चार कंपोनेंट से जो सॉल्यूशन क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे क्वार्टनरी सॉल्यूशन। इसमें चार कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली एक ही होगा क्योंकि उसमें मिक्स किया जाएगा, बाकी तीन कंपोनेंट्स जो हमारे पास होंगे दे विल बी सॉल्यूट। जैसे मैं अगर बात करता हूँ शिकंजी या नींबू पानी की, जिसमें हमारे पास शुगर होता है, हमारे पास सोल्ट होता है और हमारे पास लेमन होता है, ये तीनों हमारे सॉल्यूट की कैटेगरी में आएंगे। और बाद में हमारे पास बच गया वाटर, वाटर हमारा आएगा सॉल्वेंट की कैटेगरी में। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, टर्नरी सॉल्यूशन व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, एंड क्वार्टनरी सॉल्यूशन व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ फोर कंपोनेंट्स। इसे नोट कर लीजिए। ओके, आई थिंक सभी का नोट हो गया होगा। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि सॉल्यूट है क्या एक्चुअली और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड, जो डिसॉल्व होता है, और जो डिसॉल्व होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी कंपैरेटिव टू अदर वन। नेक्स्ट मेरे पास है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? जिसमें डिसॉल्व होता है, which helps to dissolve, ठीक है, जो dissolve करने में help करेगा, that will be in the large quantity। से मान लेते हैं कि एक नया student है, वो school में आया है, एक नई class में जाता है, तो जो student है, नया आया है जो, वो salute होगा, और जो पूरी क्लास है जो उसको उस क्लास में मिक्स होने में हेल्प करेगी दे विल बी नोन एज सॉल्वेंट। तो वन स्टूडेंट सॉल्यूट, मैनी स्टूडेंट्स दे आर सॉल्वेंट। से भी नोट कर लीजिए। ओके, तो हमने पता किया सॉल्यूट क्या होता है, हमने पता किया सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो स्टेट है ना वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की स्टेट पे। जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड है, तो उसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। अगर सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, और अगर सॉल्यूशन गैस है तो सॉल्वेंट भी उसमें गैस ही होगा। ठीक है, ये हमारी बात हुई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की स्टेट के बारे में, जो सॉल्यूशन की स्टेट डिपेंड करती है सॉल्वेंट की स्टेट पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। ध्यान रखें इसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होगा, और जो सॉल्यूट हमारे पास है दे कैन चेंज। तो लेट्स से पहले केस में मैं सॉल्यूट लेता हूं सॉलिड ही, तो सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा होगा? वी नो दैट वेरी वेल, that is alloy, mixture of two or more metals, so one metal will be solvent, other metal will be solute. For example steel, steel में जो iron हमारे पास है वो iron को solvent का काम करता है, लेकिन जो उसमें manganese, chromium, cobalt, nickel, दूसरी metals present है वो काम करती है solute, वो होती है less quantity में, iron होता है large quantity।
सेकंड केस में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गैस के बारे में। लेट्स से गैस मेरे पास प्रेजेंट है सोल्यूट के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। तो पैलेडियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर बात होती है फिर फिल्टर के बारे में, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मान लीजिए पैलेडियम का ये वाला है, जस्ट कंज्यूम सिंपल पैलेडियम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसके जो ये वॉइड्स है ना, इन वॉइड्स में हाइड्रोजन गैस फिट हो जाती है। पैलेडियम के मेरे पास बहुत सारे आइटम्स है लेकिन हाइड्रोजन गैस के मेरे पास कम मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे काम करेगी सोल्यूट का और पैलेडियम काम करेगा यहाँ पे सोलवेंट का। तो थर्ड हमारे पास अब है इसमें सोल्यूट लिक्विड। लिक्विड सोल्यूट, तो यहां पर हम बात करेंगे अमलगम के बारे में, ठीक है। तो अमलगम क्या होता है? अमलगम का मतलब होता है कि किसी भी मेटल का मिक्सचर मर्क्यूरी के साथ, ठीक है। तो इसमें जो सॉलिड मेटल है वो सॉल्वेंट का काम करेगी और जो मर्क्यूरी है वहां पे वो काम करेगा लिक्विड का, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है बट जो सॉल्यूट है वो लिक्विड। तो यहां पर हमारे पास होगा मर्क्यूरी इन सोडियम सॉल्यूट। तो मर्क्यूरी लिक्विड होता है और सोडियम क्या होता है? सॉल्यूट। दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, इससे आई थिंक सभी फैमिलियर होंगे। इस केस में जो सॉल्वेंट हमारे पास होगा दैट विल बी लिक्विड और जो हमारे पास सॉल्यूट होगा इस केस में वो वेरी करेगा, ठीक है। तो पहले केस में हम लेते हैं सॉलिड एज ए सॉल्यूट, तो इसको तो हम रोज घर पे देखते ही है। मैं फिर से बात कर देता हूं, अलग से उस नमक है, नमक को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो दैट विल बी लिक्विड सॉल्यूशन इन विच Salt is solid and solvent is water liquid. तो let's say example दे देते हैं, या फिर salt in water. So salt is solid, water is liquid. Salt is solid solute. Second case मेरे पास है liquid solute. Okay, तो ये थोड़ा सा सब जानते हैं basically. जैसे alcohol ले लीजिए, तो कुछ लोगों को शौक होता है drink करने का, तो वो क्या करते हैं, वो अल्कोहल में पानी डाल देते हैं जिससे वो डाइल्यूट हो जाए और थोड़ा सा कम असरदार हो, चढ़े लेकिन लेट चढ़े। तो उस केस में जो अल्कोहल है वो काम करेगा सॉल्यूट का और जो वाटर है वो काम करेगा वहां पे सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अल्कोहल सॉल्यूशन एग्जांपल और सिंपल लेते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक है, मान लीजिए कि किसी को हमें तंग करना है उसको सॉफ्ट ड्रिंक में पानी मिला दीजिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक वहां पर है वो लिक्विड है तो वो सोल्यूट हो जाएगा और जो उसमें डाला हमने पानी दैट विल बी ए सॉल्वेंट। तो अल्कोहल सॉल्यूशन, इसमें अल्कोहल जो है वो लिक्विड सोल्यूट होगा और वाटर हम ले लेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में हमारे पास गैस होगी, ठीक है। तो कैन थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, इसमें गैस डिसॉल्व होती है पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर बेसिकली, और सबने पी है वो चीज। जैसे कि हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक होती है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे पास क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे पास होता है गैस। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस। CO2 गैस रिजॉल्व इन लिक्विड, दैट विल बी ए गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ऑल्सो फिशेज, एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ कैसे करते हैं? वो ब्रीथ करते हैं क्योंकि वॉटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है तभी ब्रीथ कर पाते हैं, अगर ऐसा ना होता तो मर जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमें लेंगे सॉफ्ट ड्रिंक का यहाँ, ठीक है। ऑल्सो ऑक्सीजन गैस इन वॉटर, इस केस में सॉफ्ट ड्रिंक में जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो सॉल्यूट का काम करती जो कि गैस होती है, ठीक है, और इसमें वॉटर हमारे पास लिक्विड होगा, इसे भी नोट कर लीजिए।
करेंगे गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। इस केस में हमारा सॉल्वेंट जो है वो गैस होगा, ठीक है, सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्यूट ऑब्वियसली चेंज करते जाएंगे हम, तो बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट भी गैस, एग्जांपल बताओ, सभी जानते हैं, ब्रीथ करते हो, एयर, एयर में गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, ये प्रेजेंट है नाइट्रोजन गैस के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन गैस काम करेगी सॉल्वेंट का, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है तो वो काम करेगी सॉल्यूट का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। और हो सकता है हमारे पास CO2 गैस इन नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है, CO2 की कम है, तो ये बना हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूट के बारे में कोई बता सकता, सब यूज करते हैं उस चीज को, जिसे हम परफ्यूम कहते हैं, डीओ कहते हैं, स्प्रे कहते हैं, व्हेन यू प्रेस द बटन और व्हेन यू पुश द बटन द लिक्विड कम्स आउट एंड इट मिक्सेस इन द एयर, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास होगा परफ्यूम, अभी हमें स्मेल आती है क्योंकि एयर पार्टिकल्स के साथ साथ वो लिक्विड पार्टिकल्स भी ट्रेवल करते हैं, तो एयर हमारा सॉल्वेंट हुआ, बाकी जो लिक्विड उस परफ्यूम से बाहर निकलेगा दैट विल बी द सॉल्वेंट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड सॉल्यूट, तो सॉलिड का एग्जांपल आप घर पे या कभी हवन किया हो तो उसको हम बर्न करते हैं, इसको हम कैम्फर कहते हैं, तो कैम्फर इनिशियली सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, उसको बर्न करते हैं तो उसके सबलाइन पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं जो कि एयर में मिक्स हो जाते हैं, सो इस केस में सॉलिड हमारा सॉल्यूट होगा और गैस एयर हमारा सॉल्वेंट होगा। एग्जांपल हमारे पास है कैम्फर पार्टिकल्स इन एयर, ऑल्सो हमारे पास नेफ्थलीन बोल्स होती है, नेफ्थलीन बोल्स का काम होता है पेस्ट को दूर रखने का, ठीक है, तो नेफ्थलीन एयर तो वो भी सबलाइन करती है, ठीक है, एयर में सॉलिड होता है पहले, ये सबलाइन पार्टिकल्स मिक्स होते हैं एयर में, इससे मुझे मिलता है गैस सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड, इसे भी नोट कर लीजिए। हमारे पास बात हुई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, हमने समझा सॉल्यूशन क्या होता है, हमने समझा उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब हम करेंगे एक ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं दो तरीके से, फर्स्ट क्वालिटेटिवली, सेकेंड क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो हम यहां बात करेंगे कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, और ये टॉपिक आप पढ़ के आ चुके हैं नाइन्थ क्लास में, टेंथ क्लास में, साथ ही साथ इलेवंथ क्लास में, तो डिटेल में हमने इसको पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स। इसका काम है हमें दो तरीके के डाटा प्रोवाइड करवाने का, पहला हमारे पास डाटा होता है क्वालिटी, और सेकंड हमारे पास डाटा होगा क्वांटिटी। क्वालिटेटिव में हम ये पता करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो वी गेट टू नो दैट वेदर अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक डाल दिया एक बार, और दूसरी बार डाल दिया हमने 50 ग्राम नमक, तो कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, आई थिंक सभी का आंसर होगा 50 ग्राम वाला ही कॉन्सेंट्रेट होगा, तो ये हमारा हुआ क्वालिटेटिव आइडिया, ठीक है। और हमें उस क्वालिटेटिव आइडिया को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना है, जिसको हम पेपर पे लिख सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव आइडिया के लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन टर्म, जो कि बहुत सारी है और सबके बारे में जानते हैं आप, और सभी का अलग अलग यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वेट, इस केस में जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड होगा,
इसका हम सॉरी नॉट सॉलिड उसका हम वेट मेजर करेंगे, जो सोल्यूट होगा उसका भी हम वेट मेजर करेंगे। इस तरह की कंसंट्रेशन टर्म आपको लिखी मिलती है मेडिसिन या टेबलेट्स के पैकेट के ऊपर। सेकेंड टर्म हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये टर्म भी लिखी मिलती है आपको इसमें मेडिसिन सिरप्स या टैबलेट्स के पैकेट के ऊपर। थर्ड हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये टर्म खास तौर पे लिखी मिलती है आपको सिरप में लिक्विड मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसका। यहां पे होगा हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, देन डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन ऑब्वियसली इन ग्राम्स मल्टीप्लाई विद द 100, ठीक है, ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। इसमें हमारे पास होगा वेट ऑफ सोल्यूशन नॉट सोल्यूशन सॉरी सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय द 100, तो ये लग के हमारा परसेंटेज में आ जाए। थर्ड की बात करेंगे और नीचे आ गया, ये सिमेट्री खराब हो गई, इसके ध्यान रखिए सिमेट्रिकल चीजें बेहतर होती है। ये दिखने में थोड़ा और लगेगा तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ। रीअरेंजमेंट जरूरी है ताकि सिमेट्री बनी रहे, हमारा बैलेंस बना रहे, बैलेंस बना रहेगा तो एनर्जी का फ्लो बराबर चलेगा, अच्छा चलेगा। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास होगा, सॉरी वेट नहीं आएगा यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, देखा आपकी गलती हो गई। ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये भी एम एल में होगा, इसे भी एम एल में होना चाहिए मल्टीप्लाइड विद 100। ध्यान रखिए यूनिट्स का मैच होना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट मैच नहीं होती है तो आपका जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करेंगे आप, लेकिन जो आंसर आएगा ना वो गलत होगा। तो यूनिट्स प्रॉपरली मैच होनी चाहिए ताकि आपका आंसर 100% करेक्ट। ये तीन बेसिक टर्म्स है, इससे आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, इसे नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद हमारे पास और कौन से टर्म्स हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी सिर्फ आपका काम है न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलास को लर्न करने। फोर्थ हमारे पास टर्म है पीपीएम, पीपीएम का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन, इट इज लाइक परसेंट एज, तो पर सेंट, पर मतलब एक, सेंट मतलब सो, तो कितना हिस्सा प्रेजेंट है 100 में, उसका पार्ट्स पर मिलियन, तो 1 मिलियन पार्टिकल्स में सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स हुए, तो वो होगा पार्ट्स पर मिलियन। परसेंट का मतलब है कि 100 पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल होंगे हमारे सोल्यूट के, तो होगा परसेंट, ये होगा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट obviously ग्राम में होगा ये, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन ये भी ग्राम में होगा, मल्टीप्लाई 10 to the power 6, बिकॉज 10 to the power 6 इज 1 मिलियन, दैट मीन 10 लाख। उसी तरह अगर मैं इसी बात को रखती और आगे बढ़ाता हूं तो एक टर्म आती है पीपीबी, पीपीबी क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये और भी ज्यादा डाइल हो जाएगा, पार्ट्स पर बिलियन और ज्यादा डाइल्यूट। इसका फॉर्मूला क्या हो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ऑब्वियसली वेट ग्राम में होगा, इनटू 10 to the power 9, दैट इज बिलियन, 10 to the power 9। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब और चेक करते टर्म्स, अब आते 11th के टर्म्स के ऊपर। ओके, 5th तक हो गए थे हमारी, 6th पे आते हैं, दैट इज मोलैरिटी, बहुत ही फैमिलियर टर्म होगी आपके लिए, सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एम के साथ,
इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो यूनिट से हम फॉर्मूले का आइडिया लगा सकते हैं, मोल्स सोल्यूट के होंगे, वॉल्यूम होगा यहाँ पे सोल्यूशन का लीटर में, तो फॉर्मूला विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और आई थिंक सभी जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट मोल, एंड मोल का फॉर्मूला है गिवन मास। गिवन मास ग्राम में है तो ऑब्वियसली मोलर मास भी ग्राम में नहीं होगा, तो गिवन मास बाय मोलर मास। ये गिवन मास किसका होगा? ये गिवन मास होगा सोल्यूट का। मोलर मास किसका होगा? मोलर मास भी होगा सोल्यूट का, क्योंकि हम सोल्यूट के तो मोल्स निकाल रहे हैं ना, तो अगर हमें सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास भी सोल्यूट का होगा, मोलर मास भी सोल्यूट का होगा, तभी तो मुझे मिलेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट कर देता हूं तो मुझे मिलता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको और एक्सपेंड करने के बाद जब मैं वॉल्यूम लीटर को चेंज करता हूं एमएल के अंदर, सभी जानते हैं कि 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। ठीक है, तो इस रिलेशन को जब मैं भागुट कर देता हूं तो मुझे मिलता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल। ये हुआ हमारा फॉर्मूला जब हमें वॉल्यूम दिया गया हो मिलीलीटर्स में, क्योंकि मिलीलीटर्स को हमें चेंज करना है लीटर में, क्योंकि फॉर्मूले की जो यूनिट है उसमें लीटर आना चाहिए ना कि एमएल। तो अगर आपको वॉल्यूम एमएल में दिया गया हो तो इस तरीके से आप उसको लीटर में चेंज करेंगे ताकि हमारे यूनिट्स सेटिस्फाई हो सके। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास टर्म आती है मोलैलिटी। बस एक फर्क है, जहां पे आर था हमें वहां पे एल कर देना है। ध्यान देखिएगा, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है तो ये टॉपिक मिस हो जाएगा। मोलैलिटी टर्म है, इसका जो सिंबल कैपिटल एम था वो चेंज होके हो जाएगा स्मॉल एम। ठीक है, यूनिट में थोड़ा चेंज आएगा, यूनिट में सिर्फ चेंज आएगा डिनोमिनेटर में, एंड दैट विल बिकम मोल पर किलोग्राम। ठीक है, अब किलोग्राम में कौन होगा? और भी थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे मोल्स और सोल्यूट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएगा, देयर विल नॉट बी सोल्यूशन, हमारे पास होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सेम उसी फॉर्मूले को मैंने भाग उठ किया तो मुझे ये मिला, यहाँ पर मुझे सिर्फ वेट करना है चेंज में, ये हो जाएगा वेट। किसका वेट हो जाएगा? ये वेट हो जाएगा सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट किसमें होगा? यूनिट इसकी किलोग्राम में। और अगर हमें वेट ग्राम में दिया गया हो तो हम बस इस फॉर्मूले में ग्राम कर देंगे, ये बन जाएगा वेट इन ग्राम। अगर हमें सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो हम इसको पहले चेंज करें किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करने का पर्पस क्या है? ताकि यूनिट्स हमारी सेटिस्फाई हो सके। इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है दैट इज नोन एज नॉर्मैलिटी। ये हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा, अगर कुछ कंसेंट टर्म्स बची है तो हम कल करेंगे, और कल ही हम इसके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे सर। तो 7th टर्म इज नॉर्मैलिटी, इसका सिंबल है कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन, इसकी यूनिट हमारे पास है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर जो न्यू टर्म ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बारे में बात करेंगे अभी क्या होता है। तो ये जानते हैं, इसको हम लिखेंगे इस फॉर्मूले की फॉर्म में, तो ये होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ग्राम
इक्विवेलेंट अगर निकालने हैं तो आपको चाहिए गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ईएम इक्विवेलेंट मास। और अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आपको चाहिए मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, नेटर मांगी एन फैक्टर। और अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में या उस रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, दिस इज आवर एन फैक्टर। कि ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फॉर्मूला और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, एक दो तीन या चार, उसी हिसाब से हमारा एन फैक्टर डिसाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इन सब बातों को इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, उसे हम याद लिखते हैं। तो नॉर्मैलिटी इज कैपिटल एन, तो कैपिटल एन मुझे मिलेगा लाइक गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई वन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऑन सम मोर रीअरेंजमेंट दैट विल बिकम एन फैक्टर मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल। तो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में था, यहाँ वॉल्यूम एमएल में है। तो अगर हमें वॉल्यूम एमएल यानी कि मिलीलीटर में दिया गया है तो बाय यूजिंग दिस हम उसे चेंज करेंगे लीटर में, क्यों करेंगे, क्योंकि यूनिट में हमें लीटर दिया गया है। ठीक है, ये हुआ हमारा नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला। क्लियर, आई थिंक ये आप तक सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको इसमें है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहां पर आप इस पूरे लेक्चर के नोट्स लिख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इतना ही करेंगे आज हम, बाकी हम कल करेंगे। कल हम एक दो फॉर्मूले और देखेंगे, साथ ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे उन्हीं फॉर्मूले के बेस पे। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय।